बोल श्री राजाधिराज की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज जन्माष्टमी का दिन है और सुबह से ही जन्माष्टमी के आयोजन चल रहे हैं। ये बात और है कि इस बार मंदिरों में श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित है, लेकिन मंदिरों में जो जन्माष्टमी के आयोजन हैं वो चल रहे हैं। जैसे कि हम आपको ये दिखा रहे हैं, मथुरा के प्रसिद्ध राजाधिराज ठाकुर श्री द्वारकाधीश जी महाराज मंदिर का पंचामृत अभिषेक, और इस अभिषेक के पृष्ठभाग में हमारे साथ जुड़े हुए हैं मंदिर के पूर्व अधिकारी श्री श्रीधर जी चतुर्वेदी। आज कैसी अनुभूति है आपकी श्री श्रीधर जी? श्री द्वारकाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय, साई वल्लभाधीश की जय, श्री गोस्वामी तृतीय पीठाधी स्व ब्रजेश कुमार जी महाराज श्री वागीश कुमार जी की सदा जय हो। आज बड़े पावन दिन है हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो मनोरथ है, त्यौहार है, उसको हम घर घर से लेके और शारीरिक रूप में सैकड़ों हजारों वर्षों से मनाते हुए चले आ रहे हैं जी। इस बार जैसा कि अभी खट्टी जी ने कहा कि कोरोना काल चल रहा है, कलयुग में भी कोरोना काल जी, उसमें भी ठाकुर जी की इच्छा है, ठाकुर जी का मनोरथ है कि आज हम पंचामृत स्नान के दर्शन सब आपको समस्त जगत को करा रहे हैं, क्योंकि भक्तों के बिना ठाकुर जी की आनंद और महिमा का कोई इस गुणगान नहीं कर सकता। भक्तों के भगवान ने कहा है कि मैं तो जो कुछ भी करता हूँ वो भक्तों के लिए करता हूँ, और भक्तों के मैं पीछे पीछे चलता हूँ। श्रीमद भागवत जी ने एक जगह कहा है कि भगवान जो है उद्धव जी को जवाब दिया, उन्होंने जब उन्होंने प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं भक्तों के पीछे चलता हूँ, भक्त मेरे आगे चलते हैं जिससे मैं उनका अनुकरण कर सकूं और उनको जो आवश्यकता है उसके अनुसार उनकी व्यवस्था योगक्षेम व्यायाम करूं। ये भगवान का ये प्रण है, और इसी संदर्भ में आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर श्री द्वारकाधीश प्रभु के पंचामृत स्नान, जो पंचामृत स्नान रामनवमी को होते हैं, जलाभिषेक के दर्शन ज्येष्ठ पूर्णिमा को होती है पड़वा को, और ये कृष्ण जन्माष्टमी के दर्शन, इस तरह से चार दिन हमारे यहाँ चार बार ठाकुर जी का 52 अवतार के दिन भगवान के अभिषेक होते हैं, उसी के संदर्भ में आज तो सबसे बड़ा महान महात्म का त्योहार है हमारा बल्लभ कुल संप्रदाय, और उसमें भक्ति मार्ग के जो अनुसार है उसमें ठाकुर जी को एक बालक के रूप में नंद माँ यशोदा माँ के हाथ से हम अब सेवा करते हैं। उसी क्रम में आज भगवान का पंचामृत अभिषेक हो रहा है आपके सामने। श्री ठाकुर जी का ऋग्वेद के पुरुष सूक्त और लक्ष्मी सूत्र, इनके अनुसार ही भगवान का अभिषेक किया जा रहा है। हमारे मंदिर के उपाध्याय श्री तैलंग जी भी, अजय भट्ट जी पुरुष सूक्त, और उनके साथ में हम जैसे ब्राह्मण भी सब पुरुष सूक्त का पाठ कर रहे हैं। मुखिया जी, छोटे मुखिया जी और अन्य सभी पंचामृत स्नान की सेवा में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं, पहले दूध का स्नान कराया, फिर दही का कराया, ऐसा चलता रहा है, फिर शक्कर का और शहद का, बूरे का, इन पांचों चीजों का मिश्रण करके भगवान को एक एक करके अभिषेक किया जा रहा है, जिसका आप अवलोकन कर रहे हैं। भगवान आज ही भगवान के सर्वांग के दर्शन भी होते हैं इस पंचामृत के बाद, क्योंकि पंचामृत के पश्चात तो आज भगवान का बहुत ही भव्य और अति दिव्य श्रृंगार होगा, और उसके बाद में रात्रि में भगवान का जन्म का भी दर्शन होगा। पंचामृत स्नान हुआ है, इसके बाद में श्रृंगार होंगे। आज के श्रृंगार पूरे वर्ष में एक बार ही होते हैं, जिसमें भगवान के हीरा जवाहरात और मणि माणिक से भगवान के श्रृंगार होते हैं। पिछवाई भी आज की विशेष लगती है, और अनेक प्रकार से भोग रागों के साथ में श्री जन्माष्टमी का त्यौहार हमारे राजाधिराज मंदिर में श्री ब्रजेश कुमार जी महाराज श्री वागीश कुमार जी के निर्देशानुसार चल रहा है। और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यवान हैं, परम पुण्यकारी हैं, जो इस अभिषेक पंचामृत अभिषेक का
दर्शन सीधे श्री द्वारकाधीश मंदिर से कर रहे हैं। ये हमको बड़ा सौभाग्य है कि मंदिर प्रबंधन भी धन्यवाद का पात्र है जिन्होंने ये व्यवस्था करके आज पूरे चौक जनमानस मंदिर में प्रवेश कर नहीं सकता है, इसलिए ये व्यवस्था रखी गई है महाराज जी के निर्देशानुसार और यहाँ के मंदिर प्रबंधन अधिकारी वर्तमान के द्वारा के सभी को दर्शन हो, इसलिए ये आपको दर्शन कराए जा रहे हैं। इसके बाद दर्शन श्रृंगार के भी होंगे, वो भी आज के बड़े भव्य श्रृंगार के दर्शन होंगे, राजभोग के दर्शन होंगे, तत्पश्चात रात्रि में 12:15 जन्म के दर्शन होंगे, उस समय पुनः श्री गोपाल जी का पंचामृत स्नान होगा और इसके साथ ही आज का जो जन्माष्टमी का पर्व है द्वारकाधीश मंदिर में उसको मनाया जा रहा है, मनाया जाएगा और कल नंदोत्सव के दर्शन पर मंदिर प्रांगण में ही होंगे, जिसमें नंद बाबा यशोदा गोप गोपियां नंद बाबा को बधाई देने के लिए आएंगे, भगवान के श्रृंगार बैठ के गौ ब्राह्मण सेवकों को ब्रजवासियों को नंद बाबा नाना प्रकार के उपहार लुटाएंगे, ये सब दर्शन कल नंदोत्सव के समय होंगे। इसके साथ ही जन्माष्टमी का ये त्यौहार है ये पूरा होगा। अभी आप आनंद लीजिए श्री भगवान श्री द्वारकाधीश राजाधिराज प्रभु के पंचामृत स्नान अभिषेक के दर्शन करें और अपने धन्य के भागी बने, यही सबको बड़ी शुभकामनाएं है जन्माष्टमी के ऊपर। और बारम्बार यही है कि ठाकुर जी के प्रति पूर्ण स्नेह और प्रेम के साथ में भक्तिभाव रखें, ठाकुर जी हम पर अनुग्रह करेंगे, इसी अभिलाषा के साथ में मैं श्रीधर चंद्र जी आपका अभिवादन करता हूँ, जन्माष्टमी की बधाई देता हूँ। जय हो श्री द्वारकाधीश की जय। जय हो। Bye.